हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो है वो है मीटर बॉक्स पर। और यहाँ पर मैंने मीटर बॉक्स लिया है ब्लैक एंड डेकर का। गाइस, जो कारपेंटर्स हैं जिनको 15 टू 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है वो तो 45 डिग्री आराम से काट लेंगे, बट जो बिगनर्स हैं उनको इस मीटर बॉक्स की जरूरत बहुत पड़ेगी 45 डिग्री काटने के लिए, क्योंकि इसकी मदद से हम लोग बिल्कुल एक्यूरेट काट सकते हैं। यदि आपको फोटो फ्रेम बनाना हो या फिर आपको 90 डिग्री में काटना हो, तब फिर ये टूल सबसे बेस्ट है। अब अगर हम इसकी MRP की बात करें तो इसका MRP है 877 रुपये, मगर मुझे ये कुछ ऑनलाइन 700 रुपये में मिला है। तो अब चलिए और टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, खोलते हैं इसको, देखते हैं कैसे करता है ये काम, क्या है इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। तो फ्रेंड्स, फाइनली ये है हमारा मीटर बॉक्स और ये है हमारी सॉ। मैं आपको इसका वेट करके भी बताऊंगा ताकि क्लियर हो सके कि कितना हैवी है ये। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि इस ब्लेड के ऊपर यहाँ पे लिखा है 350 mm 14 इंच और नीचे लिखा है 9 TPI और 10 PPI। क्या होता है TPI, क्या होता है PPI, पहले ये समझ लेते हैं, फिर हम करते हैं आगे की बात। तो यहाँ पे दो टर्मोलॉजी होती है, एक तो होता है TPI, एक होता है PPI। ये आरी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं। TPI मतलब होता है टीथ पर इंच और PPI मतलब होता है पॉइंट पर इंच। टीथ पर इंच होता है कि आरी में एक इंच के अंदर कितने दांत हैं, और पॉइंट मतलब क्या होता है, ये मैं जब डायग्राम बनाऊंगा तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सपोज ये हमारी आरी है और इस आरी के अंदर हमारे दांत बने हुए हैं, जैसे कि आरी के दांत होते हैं ऊपर नीचे, उस प्रकार से ये दांत बने हुए हैं। अब टीथ पर इंच मतलब क्या होता है कि सपोज ये एक इंच है तो एक इंच के अंदर हमारे कितने दांत हैं। तो अब हम जरा इसको काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो मतलब हो गए इसके 7 टीथ। ठीक है, अब पॉइंट, तो पॉइंट हम हमेशा यहां से काउंट करते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हुए 8 पॉइंट। ये मैंने आपको एक एग्जांपल बताया। तो जो हमारा ब्लैक एंड डेकर का आरी है उसमें जो टीथ पर इंच है वो है 9 और जो पॉइंट पर इंच है वो है 10। अब अगर आपको बहुत बारीक काटना है, मतलब फाइन कटिंग करनी है, तो आपके टीथ बढ़ जाएंगे, मतलब 12 टीथ की आपको आरी लेना पड़ेगी, 15 टीथ की आरी लेना पड़ेगी, 18 टीथ की आपको आरी लेना पड़ेगी। और सपोज आपको कोई 1 फिट का इतना मोटा ठूट काटना है लकड़ी का, तब फिर आपको 2 टीथ या फिर 3 टीथ या फिर 4 दांत वाली आरी लेना पड़ेगी। वो आरी बहुत लंबी होती है, 3 फिट लंबी, 4 फिट लंबी, 8-8 फिट लंबी आरी होती है, जिसमें जो टीथ पर इंच बहुत कम होते हैं। और जब हम फाइन कटिंग करते हैं तो हमारे नंबर ऑफ टीथ बढ़ जाते हैं। ब्लैक एंड डेकर के टीथ बड़े हुए हैं, मतलब 9 हैं और पॉइंट 10 है, तो ये फाइन कटिंग के लिए आरी यूज होती है। अब हम बात करते हैं हमारे मीटर बॉक्स के वेट की। तो इसका वेट है 326 ग्राम। इसका वेट इसलिए इतना ज्यादा है क्योंकि ये वर्जिन प्लास्टिक का है और ये इंजेक्शन मोल्डेड टेक्नोलॉजी से बना हुआ है। अब हम बात करते हैं कि हमारा सॉ का वेट कितना है। तो ये मैं यहाँ पे रखा मैंने अपना सॉ, और आप देख सकते हैं इसका वेट है 350 ग्राम, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा अच्छा है। गाइस, 350 ग्राम की आरी, मतलब आप समझ सकते हैं कितनी हैवी है। इसके पहले मैं जो आरी यूज़ करता था वो ये है, जो मेरे छोटे मोटे काम में आती थी। अगर आप इसका वेट देखेंगे तो इसका वेट 100 ग्राम भी नहीं है, मतलब 80 ग्राम कुछ है। और अगर फिर मैं आपको इसका वेट दिखाऊं, हमारे ब्लैक एंड डेकर का जो सॉ है उसका 350 ग्राम है, बहुत हैवी ड्यूटी है। अगर अब हम आरी के ब्लेड की खासियत की बात करते हैं तो इसका ब्लेड पूरा स्टील का बना हुआ है, इसमें कभी रस्ट नहीं लगेगा। और आपका ये जो नॉर्मल आरी है ये नॉर्मल ब्लेड से बना हुआ है, देख सकते हैं इस पर रस्ट पूरा लग जाता है, फिर उसको अच्छे से साफ़ करना पड़ता है। बेसिकली मैंने इसको पूरा साफ़ किया है ताकि वीडियो में थोड़ी अच्छी लगे, तब भी इसकी ये हालत हो चुकी है। और ये जो है ये आपका हमेशा ऐसा का ऐसा ही रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा मीटर बॉक्स। अब हम देख लेते हैं काम कैसे करता है। तो मैं इसको जल्दी से टेबल पर फिट कर देता हूँ। इसके पहले मैं आपको एक दो चीज़ें और बता दूँ इसके बारे में, कि अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर पूरा इंचेस में स्केल दिया हुआ है ताकि आप नाप के कर सके। 8 इंच तक का पूरा देके रखा है यहाँ पे, और नीचे सेंटीमीटर में ये पूरा 20 सेंटीमीटर तक देके रखा है। अब जल्दी से जरा मैं इसको फिट कर लेता हूँ। फिट करने के 2 तरीके, या तो आप एक क्लेम से फिट कर लीजिए, यहाँ पे आप ऐसे क्लेम से लगा सकते हैं और ये पूरा फिट हो जाएगा। फिट करना इसलिए ज़रूरी है ताकि ये हिले नहीं। अगर आप नहीं भी फिट करेंगे तो काम कर सकते हैं, मगर अगर आप फिट कर देंगे तो अच्छा है।
तो यहां पे हमने अपना मीटर बॉक्स फिट कर लिया है। अब मैं आपको जरा एक वुड काट के दिखाता हूं। तो मेरे पास ये एक लकड़ी का टुकड़ा है, अब मैं आपको इसको काट के दिखाता हूं। पहले 45 डिग्री सपोज इसको हमने यहां पे रखा, इसको मैंने यहां से पकड़ लिया। अब हम इसको काटना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए कितने अच्छे से मेरा ये लकड़ी का टुकड़ा कट चुका है। मैं थोड़ा जरा फोकस करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए पूरा 45 डिग्री। मुझे कुछ एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, बस मीटर बॉक्स की मदद से मैंने इसको काट लिया। अगर अब मैं आपको यहाँ पे लिखा के दिखाऊँ इसको, तो ये कितना परफेक्टली यहाँ पर ये लग चुका है। अब मैं ऐसे अपने फ्रेम्स बना सकता हूँ। मैं अभी आपको और काट के बताता हूँ। तो आपने देखा कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। ये मैं आपको दोनों जरा जोड़ के दिखाता हूँ। ये मैंने अभी जस्ट काटा है, मगर यदि आप मीटर बॉक्स से काटते हैं तो देखिए कितनी बढ़िया फिनिशिंग आई है। अब हमें काटते हैं 18 mm का प्लाई। तो आपने देखा कितना फिनिशिंग के साथ मेरा ये 45 डिग्री एंगल कटा है। अब ये देखिए मैं आपको इसको जरा मिला के दिखाता हूं कितना अच्छा हमारा फिनिशिंग के साथ ये कटा हुआ है। तो ये फायदा है इस मीटर बॉक्स का। इसमें आप 90 डिग्री काट सकते हैं, 45 डिग्री काट सकते हैं, बिल्कुल जैसे प्रोफेशनल लोग काटते हैं वैसे ही। तो आपने देखा कितने अच्छे से हमने अपने लकड़ी के टुकड़े को 45 डिग्री एंगल में काटा है। ये मीटर बॉक्स अच्छा है, सिर्फ इसका एक डिसएडवांटेज है कि इसकी अंदर की जो चौड़ाई है वो 4 इंच की है। तो मैंने ये जो लकड़ी का टुकड़ा है 4 इंच का काटा था, ये देखिए, इसलिए इसके अंदर अच्छे से फिट हो गया और ये कट पाया। अगर आपके पास 5 इंच चौड़ा प्लाई होगा तो आप इसके अंदर नहीं रख सकते हैं, वो नहीं कट पाएगा। ये जो मीटर बॉक्स है ये प्लास्टिक के भी आते हैं, एल्युमिनियम के भी आते हैं, वुड के भी आते हैं। ऑनलाइन में बहुत टाइप के मीटर बॉक्स अवेलेबल हैं जो 400-500 रुपए से लेकर 3000 तक के हैं। ये तो खैर मीटर बॉक्स जो है वो 100 के साथ में आया है, नहीं तो आप अलग से भी मीटर बॉक्स ले सकते हैं। मैंने इस मीटर बॉक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से भी जाके आप इसको खरीद सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जो मीटर बॉक्स है और ये जो ब्लैक एंड डेकर का सॉ है, ये पूरा पैसा वसूल है। आप इसको खरीद सकते हैं, आपका काम बिल्कुल फिनिशिंग से होगा। आपने देखा हमने कितने अच्छे से अपने प्लाई को पूरा 45 डिग्री में काटा है। आप इसको 90 डिग्री में भी काट सकते हैं और मनचाहे फ्रेम्स बना सकते हैं और या फिर कोई DIY काम कर सकते हैं। और हाँ, यदि आपको मशीन या फिर टूल से जुड़ी कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट या फिर मेल कर सकते हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही। स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग।